नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा व्यंजक के बारे में। व्यंजक को हम एक्सप्रेशन के नाम से भी जानते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं आपको एक व्यंजक दिया गया है 4xy+5। इस व्यंजक में x और y यहां पर चर हैं। चर को हम वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है इनकी वैल्यू कभी भी चेंज हो सकती है। x इक्वल यदि आप कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वही x की वैल्यू हो जाएगी। यदि आप लिख देंगे x इक्वल 100 तो x की वैल्यू 100 हो जाएगी, और यदि आप रख देंगे x इक्वल 200 तो x की वैल्यू 200 हो जाएगी। तो इसलिए इनको वेरिएबल कहते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू कभी भी चेंज हो सकती है, इनकी वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती है। और इनको हम एक्स वाई ए बी सी डी और किसी भी वेरिएबल के द्वारा इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फ़ाबेट कैरेक्टर के द्वारा इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कहलाते हैं वेरिएबल। इसके बाद हम बात करें अचर की, तो अचर को हम कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। इनकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। जैसे यदि मैं आपसे कहूँ कि मैंने आपको 100 रुपये दिए, तो 100 यहाँ पर कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हमेशा 100 रुपये ही होगी। लेकिन यदि मैं आपसे कहूँ कि मैंने आपको एक्स रुपये दिए, तो x इक्वल वहाँ पे 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आप वेरिएबल और कांस्टेंट को आसानी से समझ सकते हैं। इस व्यंजक में x और y यहाँ पर वेरिएबल हैं और 4 और 5 यहाँ पर कांस्टेंट हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पदों की संख्या की, तो इस व्यंजक में पदों की संख्या 2 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पद है 4xy और दूसरा पद है 5, तो यह कहलाते हैं व्यंजक के पद। इन्हीं को हम इंग्लिश में टर्म के नाम से भी जानते हैं। तो हम कहेंगे कि इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं। एक टर्म है 4xy, दूसरी है 5। इसके बाद हम बात करते हैं xy का गुणांक। तो xy यहाँ पर आप देख रहे हैं xy के साथ गुणा में जो अंक है वही अंक कहलाता है xy का गुणांक। तो xy का गुणांक यहाँ पर 4 है, तो हम कहेंगे कि xy का गुणांक 4 है। और गुणांक को हम कोएफिशिएंट के नाम से भी जानते हैं, तो हम कहेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ xy है यहाँ पर 4। और यदि आपसे पूछे कि y का कोएफिशिएंट क्या है, तो y का कोएफिशिएंट है यहाँ पर 4x और x का कोएफिशिएंट है 4y। इस प्रकार से आप कोएफिशिएंट को भी आसानी से पहचान सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक और व्यंजक दिया गया है 4x+5y+1। यहाँ पर आपको पहचानना है कि इसमें कौन कौन से वेरिएबल हैं, कौन कौन से इसमें कांस्टेंट हैं और नंबर ऑफ टर्म कितनी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएबल की। यहाँ पर आप देख रहे हैं x और y यहाँ पर वेरिएबल हैं। अब हम बात करें यदि कांस्टेंट की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4, 5 और 1 यहाँ पर कांस्टेंट हैं। इसके बाद हम बात करें यदि पदों की संख्या की, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2, 3 3 यहाँ पर पदों की संख्या है, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर हैं 3। इसके बाद यदि हम बात करें x के कोफिशियंट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x के गुणा में अंक है 4, तो हम कहेंगे x का गुणांक है 4। y के गुणा में अंक है 5, तो हम कहेंगे y का गुणांक है 5। इस प्रकार से आप गुणांक को भी आसानी से पहचान सकते हैं। तो इस व्यंजक में x और y वेरिएबल हैं और 4, 5 और 1 यहाँ पर कांस्टेंट हैं और नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर है 3। तो इस प्रकार से किसी भी व्यंजक में आप आसानी से चर, अचर और पदों की संख्या को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।